सवाल उठेगा ना कि मैं हाथ जोड़ के लोगों को कह दूंगा कि किसी को धमकी सर एक पर्सनल इंटरव्यू सर इंटरव्यू पर्सनल चाहिए मुझे मुझे एक पर्सनल इंटरव्यू चाहिए था सवालों के जवाब नहीं मिले मुझे मुझे सवालों के जवाब नहीं मिले ठीक है आप लोग स्टार्ट हो ना अरे सबके शांत करो अरे भाई सब सब लोग सुन लीजिएगा एक बार शांत हो जाए यहाँ से हम लोग जो बात करेंगे सुनाई देगा जी हाँ और एक चीज मैं आप लोग का ऑन है ना देखिए आज यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है यहाँ बात हो रहा है बिल्कुल हम अपना काम कर रहे हैं शाम सर अपना काम कर रहे हैं तो दोस्तों सबसे पहले हम आप लोग को बता दें कि मेरे बगल में विपिन सर नहीं विपिन सर मुखिया जी बैठे हैं ठीक है क्योंकि अभी सर आप मुखिया हैं और अभी हम लोग सारे लोग मुखिया जी से इंटरव्यू ले रहे हैं कोई सर से नहीं कोई शिक्षक से नहीं सर आप टीचर बहुत अच्छे हैं मैथ के और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और आपके करोड़ों फैन होंगे सर है भी 4.5 मिलियन है लेकिन उन स्टूडेंट के लिए नहीं ये ग्रामीण और पंचायत के लोगों के लिए है आज जो भी ये हो रहा है तो सवाल आप लोग पूछिए सबसे पहले हम ही पूछ लेते हैं सर हम ही पूछ लेते हैं बिल्कुल सर आप कितने महीनों से मुखिया पद पे हैं अभी वैसे तो 9 महीना हुआ है 9 महीना हो जैसे चुनाव जीते हैं चुनाव जीतने के 9 महीना हो सर अभी तक आप कितनी बार अपने पंचायत के लोगों के लिए समय निकाल के उन लोगों के पास गए कितनी बार देखिए दो चीजें हैं नहीं कितनी बार मैं आपको बताता हूँ अरे एनी टाइम जाते हैं लेकिन नहीं एक बात हम बताते हैं लेकिन कुछ लोग आपको जो बताएंगे कि हमसे कभी मिलने नहीं आते हैं और जो डायरेक्ट हमारा विरोधी है जो हमको पता है कि हमारा विरोधी ये है इसके भीड़ हमको बैठने की कोई जरूरतें नहीं है तो निश्चित हम उसके पास नहीं जाते हैं वैसे लोगों को तकलीफ होती है कि हमारे भीड़ काहे नहीं रहता है सर तो आपके एक मिनट आखिर उससे हमारा कोई काम लगेगा या उसको कोई काम लगेगा तब ना बैठना जरूरी है भैया क्या आज अब कोई काम ही नहीं है उसको सर, एक नहीं इनको पहले बोलने दीजिए हाँ एक तो एक बात बताइए आपके ठीक है आपके पंचायत आपने ये सवाल जब मैडम गांव के लोगों से अभी बात करके आई हूँ वहाँ के लोग भी कह रहे हैं ना कि सर के पास हम लोग नहीं जाते क्योंकि वो मिलते नहीं है ठीक है बस वो चुनाव के समय आए थे और उसके बाद हम लोग उनको देख नहीं पाते मीन्स कि वो यहाँ रहते हैं गलत बात है मैं बताता हूँ लोगों का कहना है कि आप क्रिकेट खेलते हैं तो सुनने नहीं आता हे भगवान आप सकिएगा दिन भर क्रिकेट खेले में देखिए ग्रामीण ही है यहाँ सुनिए मुझे जवाब देने दीजिए पूरे पंचायत की बात कर रहे हैं दोस्तों सुनिए पूरे पंचायत की आपको दोनों तरह की चीजें मिलेगी देखिए क्या है ना पंचायती चीज जो है इस सबसे ज्यादा मतलब एकदम गहन हो जाता है इस पे कोई भी बात या मुद्दा दोनों तरह के बात सुनने को मिला होगा आपको कहेगा कि नहीं वो मिलते हैं कुछ लोग कहेंगे मिलते भी हैं कुछ कहेगा खाली क्रिकेटे खेलते हैं और कुछ कहेगा कि कामों करते हैं कुछ कहेगा कि कोई कामों नहीं किए होता ये है कि पंचायती चुनाव में कई पक्ष हो जाते हैं और अगर आप जीतते हैं और जो आदमी चाहता था कि नहीं जीते वो एनी टाइम आपका विरोध ही रहेगा तो उनके मुख से सुनिए जब मैं अच्छा काम करूंगा तो भी उनको बुरा लगता है क्योंकि उन्होंने जो नहीं किया वो मैंने किया सर तो आपने क्या क्या अभी तक किया है ये बताइए जी क्या बोले विरोधियों की जिम्मेवारी बनती है लेकिन जनता की बात आप कर रहे हैं आप एक मिनट पूरा सवाल एक सवाल अपने चैनल पे आकर के सभी मीडिया को 1 बजे आमंत्रित ये जरूरत पहले क्यों नहीं हुई शुरुआत तो मैडम जी ने ही शुरू किया था एक मिनट सुनिए ना जैसे एक सवाल ये पूछे जवाब जवाब मैं सबका जवाब दूंगा कैसे सवाल पूछ रहे हैं सवाल के जवाब देने दीजिएगा तब ना आप सेटिस्फाइड होइएगा आपसे 100 मीटर 200 मीटर पे एक स्कूल है उसके बारे में आप वीडियो भी बना चुके हैं उसका दीवार पीछे से ढहा हुआ है और उसका छत भी गिरने बिल्कुल 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 हम आते टाइम महिलाओं से वहाँ पूछे भी हैं तो उनका कहना है कि सर जब इलेक्शन में थे तो बोले कि जीतेंगे और इसमें काम लगा देंगे अपने पैसा से लगाए चाहे सरकार के पैसा से लगाए स्कूल नहीं गलत बताएं स्कूल कोई अपना पैसा से बना सकता है गलत बात है उसका कोई रिकॉर्डिंग है आपके पास आपके द्वारा स्कूल बना देंगे देख लीजिए यही अभी ये कह रहे हैं कि स्कूल बना देंगे आपके द्वारा कहा गया था
सर आपके द्वारा बोला गया था, आप बोले कि झूठ बोल रहे हैं। अगर फंड नहीं मिलेगा तो मैं मुखिया हूँ कि मैं अपने फंड से भी विकास करके दिखाऊंगा। ये सरकार से हम लोगों को उम्मीद है कि जहाँ जाएगा विकास पदाधिकारी को कर सकते हैं, क्योंकि ये फंड जो है प्राणाधिकारी को आएगा, आपको नहीं आएगा स्कूल का फंड। तो इसके लिए आप विशेष नोटिस कर सकते हैं, और वो जो विशेष फंड तत्काल में आ सकता है। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक जानकारी देता हूँ, आपको तो बहुत मालूम है, लोगों को जानकारी, मैं आपको नहीं जानकारी दे सकता। अगर आपका सडनली रोड का पुलिया छोटा मोटा टूट जाता है, वो फंड आएगा लेट से, लेकिन तत्कालिक फंड एनी हाउ आता है। तो उस फंड को अगर आप सीरियसली लेते हैं, स्कूल को एक बताओ सर, पेड़ कटवाने की बात है बाथरूम में, 500 रुपए लगते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ 500 रुपए आपके पास होंगे। आप निवा जी के साथ आई है सवाल, तो जवाब देने दीजिए। जो निभा जी के साथ आए जो खिलाफ है आपसे, दो तीखा सवाल एक मिनट भाई, विपिन सर को कौन अधिकार दे दिया किसी महिला पत्रकार को लवली बबली लाडली बोलने का? महिला बिल्कुल जी आपको एक मिनट रुकिए, निभा जी को कौन राइट दे दिया कि विपिन सर पैसा खाने के लिए बने, या विपिन सर पैसा डुबाने के लिए बने, विपिन सर पैसा ले लिए, ये बोलने वाली आप कौन होती है? ये सवाल यहाँ से शुरू हुआ था। पूछूंगा मैं आपसे ही, पूछूंगा उनसे ही पूछूंगा, बताइए दोनों देंगे जवाब। सबसे पहले आप अपने जो सवाल है उसको करेक्ट कीजिए, मैंने क्या बोला है, बस सबसे पहले वो मैंने क्या बोला है। आपने ये नहीं कहा था मैडम कि विपिन सर जो है पैसा ले लिया है लोगों से, पैसा खाने के लिए मुखिया बने हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? मेरा क्वेश्चन मार्क था कि क्या विपिन सर वो डाले के लिए मुखिया बने, क्या विपिन सर वो डाले के लिए मुखिया बने, क्या विपिन सर क्वेश्चन मार्क घोटाले के लिए मुखिया बने? मैंने ये नहीं कहा कि विपिन सर घोटाला कर रहे हैं। ये जो कहे थे वो आप सब सवाल उठा सकते हैं। देखिए मेरे को एक से एक सवाल का जवाब दीजिए सर। आपका मैं वीडियो लगभग 3-4 दिन से देख रहा हूँ, जिस दिन से दिव्यांग का जो है वो चल रहा है, मैटर चल रहा है, उसमें आपने बोला कि ब्लॉक से लेकर के और कुछ लेवल तक भी खिलाना पड़ता है। लगभग आपको पूरे प्रदेश के अंदर में, चाहे शिक्षक वर्ग हो या मीडिया वर्ग हो, सबने आपको सपोर्ट किया। ऐसी क्या नौबत आ गई विपिन सर के साथ में कि ब्लॉक में पैसा देना पड़ गया और मीडिया को याद नहीं किया? मैंने ये बात नहीं बोला है कि ब्लॉक में देना पड़ता है, आप उसमें फिर करेक्ट करिएगा। मैंने कहा कि 4-5 लोग ये कहेंगे कि हम ठेकेदारी करें और सबको हम कमीशने देंगे, तो काम कैसे होगा धरातल पर? इसमें आपने ये भी बोला, इसलिए हमसे लोग रूठ गए। यहाँ तो ब्लॉक से कोई लड़ाई की बातें नहीं, उसमें मैंने चर्चा भी नहीं किया है। उसमें जो सवाल था हमारे साथ रहने वाले कैसे लोग, कहीं ना कहीं सर सबसे बड़े शिक्षक है मैथ के, सभी लोग आपको फॉलो करते हैं सर, भारत के बहुत माने जाने शिक्षक कहलाते हैं। किसी रिपोर्टर को, महिला रिपोर्टर को, किसी एक रिपोर्टर को वीडियो बनाते हैं, यहां तक सही है सर। अभी वो आपके जो फॉलोअर है वो भी गाली दे रहे हैं। बिल्कुल सर, एक सवाल इसी को मैं थोड़ा सा एडिट कर दे रहा हूँ सर, इसी में थोड़ा सा आप लोग खाली सवाल दिया जा रहा है, सवाल पढ़िएगा तो जवाब कहां से? एक सवाल के जवाब मैं पूछती हूँ, अब आप पूछ रहे हैं। सवाल यही रहेगा कि क्या विपिन सर को ये शोभा देता है कि क्या कोई महिला पत्रकार के बाल मेकअप और उसको पगली और बबली बोले, क्या शोभा देता है? नहीं सर, आप इतने रिस्पेक्ट नहीं देता है। लेकिन एक बात सुन लीजिए, आपको कैसे शोभा दे दिया था पहले आके कि विपिन सर यही घूस खाने के लिए मुखिया बने हैं? अरे मैं जैसो को तैसा, सुन लीजिए, हाँ ये शिक्षित नहीं है, ये शिक्षित नहीं है। सिंपल सा सवाल है, जैसे आप भारत के एक माने जाने शिक्षक हैं और आपको बहुत लोग फॉलो करते हैं, और एक बात इनका नहीं सुने हैं, इन्होंने कहा है कि विपिन सर के बाप का चैनल नहीं है जो हमारा दिल में, अच्छा मैंने बाप बोला है? नहीं सर, विपिन कुमार के चैनल को बंद कर दो ऐसा बोला है। देखिए एक मिनट हम लोग एक सेकेंड हम लोग यहाँ झगड़ा करने के लिए नहीं बैठे, सवाल का जवाब होगा। तो आप ये मानते हैं कि विभा जी ने पहले इस तरह के शब्दों का उच्चारण किया जिससे मुझे गुस्सा आया होगा? तो आप दोनों ने उन्हें बाप का जिक्र किया, आपने कहा कि रिपोर्ट करिए, बात आपने कहा सर, विभा जी से गलती हुई, विभा जी से गलती हुई, सर भेड़ बकरियों का सवाल नहीं,
ठीक है सर, ये सवाल नहीं गलती हुई। आप मैथ के टीचर हैं और बहुत बड़े टीचर हैं सर। आप अपने छात्रों के यूट्यूब चैनल पे निभा जी का ये जो मीडिया मुखिया वाला मैटर है, आप छात्रों के चैनल पे ऐसा करेंगे? आप बताइए हमको कि जब सवाल पूछ रहे हैं तो मुखिया से और जवाब ले रहे हैं तो शिक्षक से, ये कैसे हो रहा है? स्टूडेंट के चैनल ये बता दीजिए। एक मिनट मेरी बात, आप अगर मुखिया से सवाल पूछ रहे हैं तो मुखिया जवाब दे रहा है, आप शिक्षक से सवाल पूछ रहे हैं तो शिक्षक जवाब दे रहा है। मुखिया का क्लास में नहीं बना सर। नहीं, जब आपने हमसे सवाल निभा जी ने किया तो मुखिया कहते, और जब मैं बोल दिया तो ये कहते एक शिक्षक कैसे कह दे रहा है। अच्छा, तो एक रिपोर्टर का जिम्मेवारी बनता है बिना साक्ष्य के उसको घुसखोर कहने का, बिना साक्ष्य के? मैं बोलता हूं गलत बात, कारण सुन लीजिए। आपने बताया नहीं, यहाँ सब मीडिया है, बिना साक्ष्य के किसी को घुसखोर बोल सकते हैं? नहीं, सब एक दूसरे का रिकॉर्ड करिए। एक मिनट, आप यहाँ या तो इस बात को सुने, मेरे सवाल को, ये लड़ाई वाली बात है, मेरे सवाल को सुने फिर आप जवाब दीजिएगा। आपने कहा कि मीडिया कुछ कह सकता है बिना साक्ष्य के, गलत बोल सकते हैं? सुनिए, पहले मेरे खुद वीडियो बनाते हैं। आप ये कह सकते थे कि किसी व्यक्ति ने आप पर घूस का भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, आप ये कह सकते हैं? मेरा सवाल है, आप भ्रष्टाचार नहीं कर सकते? मेरा बिना साक्ष्य के सर, हमने वीडियो देखा है, इतना IQ लेवल मेरा सर। मीडिया जो है सर, दो कौड़ी का मीडिया है, आप कहीं ना कहीं वीडियो बोलते हैं कि माइक उठा के चली आती है, इसको पत्रकार कौन बनाता है? बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए कहीं ना कहीं अगर आप गलत छापेंगे, गलत अगर आप बनाएंगे, बताइए पूरे पंचायत भूमि, मैडम सुनिए, आप पूरे पंचायत भूमि आप कहीं कि हमारा एको को कहीं काम नहीं दिखा, मैं आपको काम दिखाऊं? अभी कुछ लोगों को दिखा के लाया हूं, देख के आए हैं पूरे पंचायत घूमे हैं, पंचायत के अंदर हम काम दिखाएंगे? कैसे आप कह दिए कि हमको एक काम नहीं दिखाई, मुखिया तक एक काम नहीं दिखाई? ऐसा बोला पूरे पंचायत चारों कोना घूमे हैं और एक काम हमको नहीं दिखा? पुस्तक आने वाले बाद में हम आपके समर्थन करते हैं, हम काफी गर्व भी हमें, लेकिन अभी मैं रिपोर्टिंग करके आ रहा था, एक महिला जानते हैं क्या बोली है? 1200 रुपए विपिन सर हमसे मांगे थे, तब बोले एम्बुलेंस का सेवा आपको देंगे, और चुनाव के बाद एम्बुलेंस नहीं चलता है, अभी हम रिपोर्टिंग करके। एम्बुलेंस सुन लीजिए, क्या कहना चाहेंगे सर इसके बारे में? एम्बुलेंस मेरा खुद का जी, वो कोई सरकारी चीज नहीं, ठीक है, मेरे चीजों पर मेरा पूरा अधिकार बनता है। एक मिनट, अरे चुनाव के टाइम में नहीं भाई, 2 साल पहले से चलता है, 2 साल पहले से चलता है, आपको नॉलेज नहीं है? सर को पहले इनकी बात फिर सवाल लीजिए, पूरा बात नहीं बात करने वाले एम्बुलेंस जो है 2 साल पहले से चलती है, और जो लड़का ये इल्जाम लगा रहा है भैया, वही वही लड़का जो है एम्बुलेंस चलाता था, और एम्बुलेंस का सिस्टम ये था कि केवल तेल का पैसा लोग देगा और एम्बुलेंस से कहीं भी जा सकता है, जैसे ड्राइवर मेरे तरफ से फ्री था, जैसे अब हाजीपुर जाना है तो किसी गाड़ी का 4 चक्का भाड़ा 1000 है, उसमें तेल अगर 400 के आता है तो 400 के डलवाना है, और वही लड़का एम्बुलेंस चलाता था। होता क्या था, वो लड़का जाके किसी से पैसा लिया, किसी से नहीं भी लिया, बहुत ऐसे आदमी होते थे सोचता था कि मुखिया वाला तो एम्बुलेंस है, अब तो फ्री में चलना, तो होता क्या था कि जिन घर कभी तेल खत्म हो गया और किसी को इमरजेंसी में सेवा आया तो उस समय तेल नहीं है, कोई फ्री में चल गया। हाँ, तो होता क्या था कि इस वजह से एम्बुलेंस का मैनेजमेंट सही नहीं होता था, कोई अगर पैसा दिया उसको तेल भराने के लिए तो वो खुद खा गया, खुद रख लिया, इसके वजह से एम्बुलेंस हमने कहा कि भाई ऐसे में ये मैनेजमेंट सही नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, वो रखा रखा पड़ा हुआ है। मैं आज ऑन कैमरा आप सबको कहता हूँ कि कहिए उस लड़का को अगर उसमें दम है तो वो अपने मैनेजमेंट से हम एम्बुलेंस देते हैं और वो चलाए, चाहे वो कमाए या फ्री चलाए, सेवा करने के लिए हम एकदम तैयार हैं, एम्बुलेंस मेरे सामने रखा हुआ है, एम्बुलेंस की ये कहानी है। ठीक है सर, एम्बुलेंस तैयार है, एक महिला रिपोर्टर को आप बोलते हैं पगली पगली, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, और महिला रिपोर्टर हमको कहेगी कि अगर बाप के चैनल, आप मेरे बाप तक जाते सुनिए, और अगर मैं ये कह देता क्या इस महिला के माँ का चैनल, तब तक कहते कि बाप रे बाप, मास्टर हो गया, ऐसा कैसे बोलते? ठीक
आप मेरे बाप को कह दिया, मेरे बाप का कोई मान सम्मान नहीं है। बिल्कुल सम्मान है, नहीं है ना? लेकिन हम इसके बाद वन सेकंड, हमको क्वेश्चन पहले बाद में, पहले मुझे बोलने दीजिए, ठीक है? सर ने पहले बोला अपने स्टूडेंट से, अपने ये पंचायत के लोगों से नहीं, क्योंकि इनके जितने भी व्यूअर्स हैं स्टूडेंट है सर। हम अपनी बात कहाँ रखते हैं, सोशल मीडिया हमारा वही है, आप कहाँ रखते हैं? आप किस, एक मिनट सुनिए, मेरा बात आप पंचायतें को दिखाते हैं कि सगरो दिखता है, तो हम सगरो दिखाते हैं ना। आप जान वीडियो डाले हैं, एक विवादित माहौल बन गया और सारे लोग इसको लेकर के आप ही की बातों को इनको कर रहे हैं। सर ने सभी अपने जितने भी स्टूडेंट हैं, एक मिनट लेकिन सर को ऐसा बोल देती है, सही था ये बात, जब आप गलत बात सुनिए, पूछिए ना, पूछिए। लड़ाई क्यों, लड़ाई नहीं, गलत बात सुनिए। ऐसे में सुनिए, हाथ जोड़ कर दीजिए, ऐसे में माहौल खराब होगा। नहीं नहीं, और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे दरवाजे पर, नहीं सुनिए, एक मिनट सुनिए, मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ। इन्होंने मुझे इस तरह की बातें कही जब मुझे हट हुआ, मैं भी अगर ये तो मैं भी क्षमा चाहता हूँ ऐसी, ऐसे सुनिए, सवाल करेंगे लेकिन बिना साक्ष्य के किसी पर इल्जाम नहीं लगाएंगे। आपका पंचायत के लोगों का आरोप है कि मुखिया बनने से पहले आप हर द्वार पर गए, सबका हाथ जोड़े, लेकिन बनने के बाद द्वार पर नहीं मिले होंगे। हम मिले हैं, आप लोग थोड़ा सा, विपिन सर काम भी करते हैं सब ठीक है, लेकिन सर क्या विपिन सर की व्यक्तिगत जिम्मेवारी नहीं? एक मिनट, क्या कर रहे हो? एक मिनट, आप चुप रहिए। क्या विपिन सर की व्यक्तिगत जिम्मेवारी नहीं है? अपने सर चुप रहिए, हम मीडिया से हैं, अपने स्टूडेंट को समझाने का कि दीपा मैडम को गाली देना है, कि दीपा मैडम की जिम्मेवारी नहीं बनती है, उनके माँ बाप। दीपा मैडम है, अच्छा सुनिए, अच्छी बात। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, बउआ अच्छा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न, अच्छा प्रश्न है। इनका कहना ये है कि आप स्टूडेंट को कहते कि निभा मैडम को गाली नहीं दो। एक बात बताइए, निभा मैडम वीडियो होगा, सब लोग होंगे, मैंने कहीं वीडियो में ये कहा कि निभा मैडम को गाली देना? नहीं, आप एक मिनट, मैंने वीडियो, हाँ मैंने ये बोला है कि निभा मैडम को गाली दीजिए, मैंने बोला है कि वो गलत वीडियो बनाते, उनको रिपोर्ट कीजिए, गाली नहीं। आपका सवाल गलत, हमने ये नहीं कहा कि आपने गाली नहीं दी भाई। आप सर विपिन सर का जो टीचर बना करते हैं सर, गाना गा के आपको मालूम है सर कि कितना नया नया यूट्यूब चैनल खोला है जो सिंगिंग करके आपको देख के सर फॉलो कर रहा है। सही बात सर, गाली से ज्यादा गंदा आपने मेरे बारे में बोला है सर, आपने मेरे बाल और पीछे का कमेंट। सोचिए मैम, आप मेरे बाप तक पहुंच गए, आपने ये रिपोर्ट, मैं उससे नीचे हूं सर, मैं उससे नीचे हूं, इस मैटर में मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, मैं भी क्षमा सवाल करूंगा सर मुखिया से, आप मुखिया मुखिया से सवाल जरूर करेंगे। सवाल तो हर आपने बताया था, सुनिए सुनिए, आपने एक मिनट से बताया था, माहौल खराब हो गया, माहौल खराब हो गया। मेरा क्वेश्चन सर, आप बोलिए, आप बहुत देर से बोल रहे हैं, एक सेकंड। मेरा क्वेश्चन है, हाँ पूछिए। आप एक वीडियो में बताया है, मैं जर्नलिस्ट किया हूँ भोपाल यूनिवर्सिटी, नो डाउट शिक्षित है, रिपोर्टर को क्योंकि हर चीज का नॉलेज होता है, ठीक है। आप पंचायत में है, नो डाउट, एक पिकेट ईंट उठा के आपने सीधा सवाल किया कि ये दो नंबर का काम हो रहा है, तो आपको पता होना चाहिए था ना कि दो पिकेट ईंट से कोई ऐसा मिस्त्री नहीं है कि वो दीवार जोड़ के भवन बना दे। आपका क्या नाम है? क्या क्या हम सवाल सुन लिए, विपुल, पिकेट ईंट का क्या काम होता है आपको पता है?
ठीक है, एक सेकंड, जस्ट अ मिनट, आप मुझे बोलने दीजिएगा। आप लोगों ने रिपोर्टिंग ऐसे नहीं किया, रिपोर्टिंग का कभी भी सही चीज नहीं है। आप समाज के आईना है। जस्ट अ मिनट, आपने सवाल कर लिया, आपका बहुत सवाल। सर मैं सवाल का जवाब, मैंने दो चीज, पहली बात सुन लीजिए, अगर मैडम कहती है कि अगर मैंने ऐसा शब्द बोला है तो मैंने गलती किया है, आप क्षमा मांगे, आप क्षमा नहीं मांगिएगा। मैडम अगर कहती है कि हमसे गलती हुआ है तो ये निश्चित है कि हमसे गलती हुआ है। इनके गलती को मैंने दोहराया, ये सही बात। अगर इन्होंने कहा मैंने गलती नहीं किया है इस तरह के बोलते, तो हमसे भी गलती नहीं है। अपनी मर्जी से जिनको जो लिखना है बोलना है, आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, सब दिखाएंगे, कितने लोगों की हेल्प करती हूँ। आप समाज सेवा है, सेवक है ना, मैं भी वही हूँ, मैं भी लोगों के लिए काम करती हूँ। सर सबसे पहले हाथ जोड़कर सबसे गलती, ये मेरा घर है और यहाँ पर शांति से आप लोग बात करें, झगड़ा किसी से, यहाँ कोई किसी का दुश्मन नहीं, अपनी अपनी तर्क रख रहा है, अपनी अपनी बात रख रहा है और अपने तरीके से एक काम करना। इतने में गैदरिंग बोलना, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, उसके बाद आप लाइव को खत्म कर दीजिएगा, मुझे प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन इसके बाद कोई लाइन नहीं होगा, कोई नहीं, अब बस बोलने दीजिए, कोई अब बीच में मत कटिए। मैं एक पत्रकार हूँ, ठीक है, मैं लोगों की समस्या को दिखाती हूँ और शायद सर इस गांव के मुखिया हैं, हम इनके गांव की समस्या को भी दिखाएं। तो सर देखिए, मेरा काम है, मैंने वो किया, लेकिन सर का काम जो था कि सर अपने पंचायत और अपने गांव के लोगों को समझाएं और ये बताएं कि हालांकि मेरे पास अभी फंड नहीं है, हम उस काम को करेंगे, सर को वो करना चाहिए था, लेकिन सर ने वीडियो बना करके अपने जितने भी स्टूडेंट है, मिलियंस करोड़ों के स्टूडेंट, उन लोगों को भड़काया है मेरे खिलाफ, ठीक है, कि इनके चैनल पर रिपोर्ट मारो। तब मैंने बोला और बार बार मुझे मैसेज आ रहे थे, मैं आपको दिखा भी दूंगी, मेरे पास प्रूफ है कि तुम्हारा चैनल 12 घंटे में डिलीट हो जाएगा। तब मैंने कहा ये बात, तब मैंने ये बात कही, डिलीट हुआ है कि नहीं चैनल आपका, डिलीट नहीं, लेकिन ये चीज धमकी देना गलत बात है, अगर आप पत्रकार है। मैडम आप जब विपिंदर के बाबू उसी को बोलती है, वो गलत नहीं था, तो ठीक है, ठीक है, वो लाइन, ठीक है, मेरा जो लाइन, वन सेकंड, अगर लाइन में गलत सबसे पहले देखिए, मैं अगर ये बात किसी भी बात को और गलत चीजों को ज्यादा फैलाना ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। क्या है सर, बस मुझे इतना बता दीजिए सर, इस पूरे मुद्दे का निचोड़ बताइए। विपिन सर, विपिन सर, एज अ पत्रकार, एज अ युवा, एक रिक्वेस्ट आपसे हाथ जोड़ के करेंगे, आपके जो बच्चे वीडियो देखते हैं, आपको गुरु मानते, भगवान मानते, पहले ही बताए थे सर, आप उन्हें रिक्वेस्ट करिए कि इन्हें गाली ना दे, और आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप किसी के माँ बाप को नहीं बोले। एक सेकंड, और ठीक है, ठीक है सर, आप बोले कि मैं गलत, आपको रिस्पेक्ट करता हूँ इस बात को, मैं खुद आपकी बहुत बड़ी क्या कह सकते हैं कि मैं फैन भी हूँ। मैं एक चीज आप सबको कहूंगा, सुन लीजिए, अगर आप इतना समझते हैं कि मैं एक शिक्षक हूँ और शिक्षक नाते पूछते हैं, चलिए मुखिया के नाते इन्होंने पूछा था, मुखिया के नाते इनको जवाब दिया गया, नहीं गलत बात, बाहर से आप सब एक समाज के आईना है, कभी भी पत्रकारिता करते हैं दोनों पहलू को दिखाइएगा, जब किसी पर इल्जाम लगे तो उससे भी पूछ लीजिएगा, तब उसे चोर कहिएगा, उसे बेईमान। इसीलिए तो मैं आई हूँ आज, आ जाइए ना सर। मैम मैंने खुद बुलाया है, मैंने खुद बुलाया है, जब इतना बवंडर हो गया है तब आइए, ये पहले आया है। आप मुझे कॉल कर लेते, हमसे बात हो जाता, तब बताइए, एक मुखिया का नंबर आपको पंचायत में मिल जाता। अरे एक मिनट, चाचा हो गया।
पर आ जाएगा कि बंद हो जाएगा। अब आप सबसे रिक्वेस्ट है कि देखिए आप इनसे पूछेंगे, कोई हमसे पूछेगा, ये बातें विवाद बढ़ते। मैंने पहले कहा कि अगर इनको लगता है कि जो इस तरह से मुझे इल्जाम लगाए थे ये गलत है, तो मुझे मैंने भी जो बोला बिल्कुल गलत है। ओके सर, मैं इस चीज को, सर एक चीज बोलूं, यहाँ से मैं संदेश देना चाहूंगा जी कि सबको पता है आप लोग बिहार से ही हैं, मैं अपने पंचायत से हाँ। कितना काम अभी तक आपके पंचायत में हुआ होगा, बिल्कुल हमारे वहाँ देख लीजिए। अगर मैं किसी से पीछे हूँ तो मुझे कह दीजिए। सर ठीक है, सर 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 पत्रकार एक सेकेंड पत्रकार गलत सवाल उठाने के लिए, सर पत्रकार समाज के सच्चाई को, सर अगर वो अगर स्कूल पढ़ी, हम पत्रकार, अच्छा ये माइक हमको दे दीजिएगा, देखिए पत्रकारों का काम सवाल उठाना होता है, ठीक है, पत्रकारों का काम सवाल उठाना होता है, लेकिन सर मुखिया का काम करना होता है। निष्पक्ष हूँ मैं, निष्पक्ष तब आ जाई हूँ, निष्पक्ष भैया तब आ जाई हूँ, अगर निष्पक्ष नहीं होती तो आज नहीं आती मैं, निष्पक्ष नहीं होती तो आज मैं नहीं आती। कि कोई भी व्यक्ति काम करे, आज देखिए मैं भी युवा, वही तो मैं बोल रही हूँ, आप सब युवा, आप सब युवा हैं, बिल्कुल सर, हम ये युवा चाहेंगे तो मिलकर समाज को बहुत आगे और देश को ले जाएंगे। सही बात है, आप भी अपने क्षेत्र में क्रांतिकारी काम कर रहे हैं, एक सवाल उठाना साधारण बात नहीं होता है, मैं बार बार कहता हूँ एक सवाल करना एक क्रांतिकारी कदम है, ये सवाल जब उठते हैं तो बहुत कुछ बदलता है। लेकिन एक रिक्वेस्ट आप सबसे है कि जब भी कभी सवाल उठाइए तो किसी को चोर बेईमान कहने से पहले उसको साक्ष्य जुटा लीजिएगा, तभी करिएगा, यही संदेश हम देना चाहेंगे। दूसरा बात कि अगर देश का हर मुखिया, मैं काम कर रहा हूँ ना, आप आइएगा मेरे पंचायत में, सबका स्वागत है, जब भी काम करूं काम की जांच करने आइएगा और देखिएगा कहीं कोई नहीं रोकेगा आपको, आप हमें कहिएगा, कोई रोक दिया तो हमें कहिएगा, और बहुत जल्दी बदलेगा, मुझे 5 साल के लिए यही चाहिए सर, यही चाहिए, मेरे पर वीडियो बनाने से अच्छा सर आप अपने गांव के लिए काम करें। अभी मैं लेटर दिखाऊंगा, आज ही मुझे चिट्ठी आई है कि लोहिया स्वच्छ मिशन के अभियान के तहत हर जगह शौचालय बनेगा, इसके लिए मुझे आज चिट्ठी मिला है, और यही शौचालय आप 10 दिन पहले कहते आके 5 दिन पहले घर घर में शौचालय क्यों नहीं है, मुखिया घुसखोर हो गया तो गड़बड़ हो जाती है। सवाल तो पत्रकार उठाएंगे कि इनको फंड कब मिला, आप सवाल सर आप सवालों को आप बंद नहीं कर सकते, सवाल तो लोग उठाएंगे सर, यहाँ पे जितने पत्रकार हैं सब उठाएं, क्योंकि आप मुखिया हैं। सवाल आप उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे सर, जायज सवाल उठाइए, वीडियो बनाएंगे, अगर नहीं उठाएंगे वीडियो, मेरे पास तो साधन है, तो मैंने लोगों को बताया कि मैंने क्या गलती किया क्या नहीं, और लोग काम करते हैं सर, काम करते हैं, और जिन लोगों के पास अगर ये साधन नहीं होता वो तो मरते, आप ऐसे अगर रिपोर्टिंग करते तो फांसी लगा लेता, काम करते हैं मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कि जैसे को तैसा, अगर इन्हें अफसोस होगी कि इन्होंने गलती किया है तो बिल्कुल हमसे गलती, मैं सवाल उठाई हूँ, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैं गलती कि मैं हाथ जोड़ के लोगों को कह दूंगा कि किसी को धमकी, सर सर एक बार ये भी बोल दीजिए, किसी को ये नहीं कहा कि सर आपने स्टूडेंट चैनल पे एक चीज डाला है, सवाल सर इसको थोड़ा गुजारिश कर दीजिए स्टूडेंट से, सर एक पर्सनल इंटरव्यू सर, इंटरव्यू पर्सनल चाहिए मुझे, मुझे एक पर्सनल इंटरव्यू चाहिए था, सवालों के जवाब नहीं मिले मुझे, मुझे सवालों के जवाब नहीं मिले।